हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के गौहर विकास खंड की ग्राम पंचायत थरजून के युवा प्रधान जपना चौहान ने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। अपने इस प्रदर्शन के दौरान जपना चौहान ने देश में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों, अपराध व हत्या की घटनाओं को लेकर कड़ी निंदा की और प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजकर संविधान में संशोधन कर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की अपील की। साथ ही दुराचार की घटनाओं में शामिल महिलाओं के हत्यारों को सार्वजनिक स्थान पर फांसी की सजा का सख्त कानून बनाने की गुहार लगाई। इस अवसर पर धरना प्रदर्शन में शामिल अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए जपना चौहान ने कहा कि आज देश में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने में डर व संकोच हो रहा है। अभिभावकों को बेटियों को घर से बाहर शिक्षा व रोजगार के लिए भेजना मुश्किल हो गया। जपना ने कहा कि अभिभावकों को हर समय बेटियों के लिए चिंता सताने लगी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस दर्द को समझते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून की मांग की। इस अवसर पर दिल्ली व देश के कई राज्यों से समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया। हैदराबाद में जो आज सुबह एनकाउंटर हुआ उसके लिए मैं हैदराबाद पुलिस को बधाई देना चाहती हूँ, लेकिन आज भी देश की जो हमारी महिलाएं हैं, माता बहना हैं, उन पे जितने अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। और हमारी सरकार से मांग है कि जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन होना चाहिए, जो भी बलात्कारी है उसको बीच चौराहे पे फांसी दी जानी चाहिए और मीडिया को लाइव कवरेज करने की बात इजाज़त होनी चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें हैदराबाद पुलिस की तो देश के अन्य राज्यों की पुलिस को भी इससे सबक लेना चाहिए। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, गुड़िया कांड हुआ है अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है और निर्भय कांड हुआ है उसमें भी कोई न्याय नहीं मिल पाया है। मेरी जो केंद्र की सरकार है और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनसे अपील है कि जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन करें और जल्द से जल्द इन देश के जितने भी जहाँ जहाँ भी बलात्कार हुए हैं उन आरोपियों को